हेलो, मेरा नाम अनुज श्रीवात्री है। मेरा फिडे एलओ है 2336 और मैं फिडे मास्टर हूँ विथ 1 IM NOM। आज मैं आपको एक बहुत यादगार गेम दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने गोवा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेला था। मैं ब्लैक था और वाइट थे मेलाखाट को वदिम, बेल्जियम के जीएम। मैं ब्लैक था, उन्होंने खेला d4, नाइट एफ सिक्स, c4, g6, नाइट c3। मैं किंग्स इंडियन खेलता हूँ वैसे। d4, यहाँ पे उन्होंने मेन लाइन खेला, जबकि उनके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स थे। मैंने मैंने नाइट c6 खेला। यहाँ पे ब्लैक के पास थोड़े अदर ऑप्शन भी है। नाइट a6 खेल सकता है, नाइट bd7 खेल सकता है, ad4 भी खेल सकता है। नाइट c6 बट मेन मूव है। d5, नाइट e7, a4। a4 थोड़ी सी ट्रिकी मूव है। यहाँ पे बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। एक सबसे पॉपुलर अल्टरनेटिव है b4, दूसरा नाइट e1, नाइट d7। ये एक बहुत बड़ी टबिया है, बट a4। b4 में ब्लैक के पास ऑप्शन है नाइट, नाइट e8 कर सकता है, नाइट h5 कर सकता है, a5 भी मेन मूव है, बट a4 खेला। a4 का आइडिया सिंपल है। a4 का आइडिया ये है कि वो b4 खेलना चाहते, मतलब a5 खेलना चाहते हैं। a5 के बाद फिर वो b4 खेलेंगे और जरूरत पड़ने पर नाइट d2 से सेंटर को f3 से प्रोटेक्ट भी करेंगे। जैसे ये नाइट g5, नाइट g5 भी कर सकते हैं। वो नाइट e6 का आइडिया, फिर अब h6 कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये b4 से मिलता जुलता रहता है। बट वाइट व्हाइट के पास इम्प्रूव्ड वर्जन है, सो मुझे ये अलाउ नहीं करना। मैंने a5 खेला, बहुत लॉजिकल मूव। ये b4 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा हूँ और क्वीन साइड ब्लॉक कर रहा हूँ जहाँ व्हाइट अटैक करता है। सो नाइट e1, नाइट d7, नाइट d3, किंग h8। सो व्हाइट का मेन आइडिया यह है कि उसने ये a5 और a4, A5 A4 मूव इंक्लूड कर दिया। अब वो क्या वाइट क्या करना चाहेगा, वो बिशप को यहाँ खेलेगा, नाइट को यहाँ खेलेगा, फिर वो B4 से ब्रेक देना चाहेगा। बहुत सारी एरोस हो गई है। हाँ, फिर अगर अपन मारेंगे वो बिशप से मारेगा, फिर यहाँ पे क्वीन साइड पे उसको एक हुक मिल जाएगा जिससे उसका प्ले क्वीन साइड में थोड़ा जल्दी होगा। इसलिए इसलिए मैंने अभी किंग एच एट खेला। किंग एच एट वेटिंग मूव है। किंग एच एट वेटिंग मूव है। अभी मैं f4 को कमिट नहीं कर रहा हूँ। f4 को मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ f4 कर देता, f4 भी कर सकता था, बट इतना ज़्यादा वो नहीं था। d4 मारूंगा मारूंगा। अब वो सडनली a5 इज अ बिग थ्रेट और फिर ये c7 से प्रेशर आने लगता, तो ये मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने किंग एच एट खेला। किंग एच एट का आइडिया सिंपल है। नाइट को वो g8 स्क्वायर वैकेट कर रहा है ताकि वो बिशप h6 आके ये जो बैड बिशप है इसको ट्रेड कर सके, ये इस गुड बिशप के लिए। बिशप g5 का आइडिया ये है कि वो नाइट g8 को प्रिवेंट करना चाहता है, इसको पिन करके क्वीन को। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि f4। अब ब्लैक को टाइम मिलेगा कि ब्लैक ब्लैक h6 और g5 टाइम से कर सके, और ये बिशप बिशप यहाँ पे इतना अच्छा भी नहीं है। बिशप सिर्फ टाइम दे रहा है मेरी पॉन को एडवांस होने का। सो बिशप h4, d6। मैं यहाँ h6 पे जल्दी नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता है कि ये बिशप बिशप जो यहाँ पे है h4 पे यहाँ इतना काम करनी है। इसको बाद में f
F2 जाना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक वेटिंग मूव खेल रहा हूँ B6। अब मेरा आइडिया ये है कि अगर अगर वो बिशप F2 आएंगे अब, तो अब मैं G5 खेल सकता हूँ। फिर B4 इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं यहाँ पे H5 कर सकता हूँ। फिर मेरे को H6 पे टेम्पो वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ H5 एक ही बारी में खेल दिया। अब मेरा प्लान सिंपल है, अब मैं उसको मार सकता हूँ, मार मार के नाइट को मैं सॉरी इस नाइट को मैं यहाँ ले आऊंगा, फिर मैं G4 के लिए एम करूंगा। B6 Nb5, Nb5 वो भी H6 का वेट कर रहे हैं। H6 के बाद वो बिशप F2 जा सकते हैं, Nf6। मैं अभी भी H6 पे कमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पीसेस की प्लेसमेंट इंप्रूव कर रहा हूँ और इस बिशप का डायगोनल खोल रहा हूँ और ये पिन ब्रेक कर रहा हूँ मैं। बिशप ई वन का आइडिया ये है कि अगर वाइट वाइट मूव यूज मोस्ट यूजली B4 खेलेगा, B4 खेलेगा तो उसका आइडिया ये है कि वो A5 पे प्रेशर देना चाहते हैं इस बिशप से। ये बिशप A5 पे प्रेशर देगा, बट ये मूव थोड़ी सी कमिटल है, बिकॉज अब मेरे पास क्लियर आइडिया है कि मैं G5 H5 कर सकूं। अगर बिशप H4 पर रहता तो मेरे पास इतना ज्यादा चांस नहीं रहता कि किंग साइड एक्सपेंड कर सकूं। ये भी B4 यहाँ पे इंटरेस्टिंग था, मारता मारता फिर बाद में ऐसा कुछ खेल लेता यहाँ पे कोई। हाँ ये मुझे जो लग रहा है ज्यादा अच्छा था, B4 वॉज बेटर। ये बिशप G5 को रोक रहा है, उन्होंने बिशप E1 खेला। बिशप E1 के बाद अब मैं किंग साइड में एक्सपेंड कर सकता हूँ, मैंने G5 खेला। G5 का आइडिया सिंपल है, पॉन स्टॉर्म करना है किंग साइड पर अपने को। नाइट F2, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे G4 थ्रेट दे रहा था। अगर वो B4 खेलते देन मैं यहाँ पे मार सकता, वो भी मार सकते, फिर मैं G4 खेल देता, फिर वो ये करते, फिर मैं ये मारता, फिर अगर वो बिशप से मारते तो यहाँ पे उनका किंग साइड थोड़ा ओपन हो जाता और ये e4 पॉन पोटेंशियली वीक है, तो गेम यहाँ इंटरेस्टिंग है। फिर मैं कुड हैव प्लेड दिस, अब वो बिशप से मार नहीं सकते, मैं मारूंगा C6। रुक से मारना पड़ता। व्हेन आई थिंक आई कैन प्ले, मैं यहाँ पर रुक बी8 खेल सकता हूँ, रुक बी8 मार भी सकता हूँ, मार मार के ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर नाइट G6, फिर नाइट H4। बट आई थिंक रुक बी8 बेटर है, रुक बी एट जस्ट कीप इन द पिन। इस नाइट को यहाँ पिन कर रहा हूँ और पोटेंशियली मैं C5 भी एम कर सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी ट्रिक्स है तो ये थोड़ा ये बेटर रहता, बट उनका डिसीजन भी अच्छा है। नाइट F2 का आइडिया सिंपल है, वो E4 को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि जब G4 आए तो FG4 कर सके और E4 जो स्क्वायर है वो प्रोटेक्ट रहे। मैंने यहाँ खेला तो मैंने H5 खेला, H5 का आइडिया सिंपल है, मैं G4 के लिए एम कर रहा हूँ। H3 खेला, H3 इतना ग्रेट मूव नहीं था, बिकॉज अभी मैं G4 पोटेंशियली थ्रेट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे उनको B4 खेलना था। B4 में मारता तो वो भी मारते मारते फिर वो A4 थ्रेट देने लगते। अब G4 करना मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा,
ही कैन टेक हियर और या बिशप से मारना चाहिए, बिशप से मारेंगे, मैं भी मारूंगा, वो मारेंगे। अब यहाँ पर सम हाउ ये मेरा किंग थोड़ा सा वीक है, H3 का ये ड्रॉबैक है कि अगर अगर मैं बिशप H6 रुक G8, बिशप H6 रुक G8, फिर मैं समहाउ G4 पुश कर देता हूँ, तो ये डिसाइडेड है कि उनका किंग साइड ओपन होके रहेगा, और ये थोड़ी कमिटल मूव भी है। ऑब्वियसली उनको G4 स्टॉप करना था, बट मे बी रुके थ्री भी खेल सकता, H3 सो जस्ट दिस ऑल। सो मैंने Rook F7 खेला, Rook F7 मैं Bishop H6 से भी स्टार्ट कर सकता था, Bishop F6 Rook G8, बट इन दिस केस फिर वो E5 करने लगते, और अगर मैं यहाँ पे इग्नोर कर देता कोई साइड में जैसे Rook G8, तो मार मार के C5 कर सकते थे, फिर ये तो स्ट्रेटेजिकली लॉस्ट हो जाती। सो AB4 BB4, बट इट वॉज नॉट दैट ग्रेट। सो Rook F7 का आइडिया ये है कि मैं बिशप के लिए F8 square दे रहा हूँ, और फिर जब ये बिशप F8 पे आएगा तो मेरा रुक G7 पे जाएगा, और फिर ये G4 के लिए एम करेगा। ये मेरा आइडिया है। Bishop H6 पे इतना एक्टिव नहीं रहता जितना दिख रहा है। सो Rook F7 वॉज प्लेड एंड नाउ B4। नाउ अब मैं मार सकता था, ऐसी कोई बुरी चाल नहीं थी ये करता, बट स्टिल क्वीन साइड ओपन हो जाता, और यहाँ पे C4 ये थोड़ा मेरे लिए डेंजरस रहता, तो मैंने सोचा क्वीन साइड को थोड़ा अभी स्टेबल रहने देता हूँ, अभी मैं टेंशन रिलीज नहीं करता हूँ। सो मैंने Nge8 खेला। Nge8 का आइडिया ये है, अब मैं फुली रेडी हूँ, अब मैं Bishop F8 कर लूँगा, फिर मेरी C5 square पे स्ट्रेंथ होल बढ़ जाएगी, और मेरा ये Nh6 पे आ रहा है ताकि जब G4 मैं बढ़ूँ तब मेरे पास ज़्यादा सपोर्ट हो, ज़्यादा पीसेस का। सो B takes F5 C5। यहाँ पर मैं बहुत देर तक सोच रहा था कि क्या करूँ। मैं यहाँ पे D takes C5 मार सकता था, D takes C5, फिर वो कोई चाल चलते Nd3। ये मैं देख रहा था कि मैं करूँ या ना करूँ, फिर मैंने लास्ट में सोचा Dc5 करूँगा तो मेरी ये दोनों पॉन वीक हो जाएंगी, ये E5 वाली, C5 वाली, A5 वाली, और उनकी ये पॉन डेंजरस है, सॉरी ये पॉन D5 पे उनकी डेंजरस है। तो मैंने सोचा Bishop F8 खेलूं। Bishop F8 का आइडिया ये है कि अब मैं C5 पे प्रेशर दे रहा हूँ, और C5 पे प्रेशर दे रहा हूँ, और अगर अब वो मारेंगे नाउ आई कैन टेक विद द बिशप, बट पॉन से मारना चाहिए, बिशप से मारूंगा तो ये पॉन वीक रहेगी, और वो मारना कंपलसरी नहीं है वाइट का। सो ही कैन प्ले बिशप, he can play Bishop C3, Nd3, etc. and put pressure on the E5 pawn. So cd6 में खेलते हैं cd6, फिर इसके बाद वहाँ पे king side queen side पे उनके लिए break करना आसान नहीं है, but मुझे सिर्फ दो moves चाहिए, Rook G7 और Nh6। maybe Nh6 भी नहीं चाहिए, सिर्फ Rook G7, then I can play G4. सो Nh3 यहाँ पे वो बहुत सोच रहे थे, शायद कंफ्यूज हो गए थे मेरे Bishop F8 मूव से,
नाइट ए थ्री, नाइट ए थ्री। मुझे ये गेम में थोड़ा सा सरप्राइज लगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा अटैक बहुत फास्ट आ रहा है, और वहाँ पे वो मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, ये मैन पोजीशन बहुत कंक्रीट है, यहाँ पे स्लो मैन्यूवरिंग से काम नहीं चलता। उनको CD6 करना चाहिए था, फिर समहाउ यहाँ पे पेनेट्रेट करना चाहिए था। नाइट सी सेवन, नाइट ई सिक्स, G7, क्वीन हियर, देन आई कैन प्ले दिस, देन आई कैन प्ले दिस, बट क्वीन पोजीशन इंटरेस्टिंग है। नाइट ए थ्री, नाइट ए थ्री, रुक जी सेवन। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे लग रहा है ब्लैक के पास इनिशिएटिव है। कंप्यूटर हमेशा इन पोजीशन पे यही बोलेंगे कि ओके वाइट इज बेटर, बट यहाँ पे किंग साइड का जो जो थ्रेट आ रहा है G4, वो क्वीन साइड के थ्रेट से बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वो नाइट सी फोर आएंगे, फिर बिशप से पॉन मार सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे आई नीड ओनली वन मूव G4, एंड इफ HG HG, इफ आई विल मैनेज टू प्ले G3 somehow, then after let's say sack on D5, my queen will go to H4. So position tricky है, white के लिए खेलना इतना आसान नहीं है। यही किंग्स इंडियन का एडवांटेज रहता है कि इसमें कंप्यूटर के वैल्यूएशन ज्यादा काम नहीं करते। रुक G7, नाइट C4, नाइट H6, मैं G4 प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो मेरे पास 1 2 3 4 5 5 पीसेस का सपोर्ट है उनके पास, 1 2 3 4 5। सो नाउ आई एम फुली रेडी टू प्ले G4। अब G4 आके रहेगा, यहाँ पे वो ये पॉन मार सकते थे, बट स्टिल G4 मुझे नहीं लगता ये अटैक बहुत डेंजरस है। यू कैन नॉट टेक रियली हियर, बट यू कॉन्ट, आप यहाँ पे मुझे G3 खेलने के लिए अलाउ भी नहीं कर सकते, बिकॉज G3, फिर नाइट अगर कहीं और जाए तो नाइट डी फाइव आने लगेगा, फिर Qh4 विद अ वेरी क्विक चेकमेट। सो उनका डिसीजन क्या था, उनका डिसीजन था Bc3। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर तक सोच रहा था, शायद उनका आइडिया हो कि नाइट से ये पॉन मार सके। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर CD CD Nd5 Nd5, फिर वो पॉन मास जो सेंटर में रहेगा, फिर उससे वो कुछ काउंटर प्ले जनरेट कर सकते हैं। अब सोचा मैंने, ओके आई फॉलोड माई प्लान, G4 यहाँ पे वो ये मार सकते थे, बट स्टिल नो नो नो, HG उनको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। HG नो, इफेक्ट पे सेक नहीं कर सकते, बिकॉज किंग साइड में मेरे थ्रेट्स बहुत डेंजरस हैं। सो यहाँ पे मैं Gxh3 थ्रेट कर रहा हूँ, Gxh3, फिर मेरा क्वीन आएगा D7 से, H3 पे थ्रेट्स देगा, उनको मानना ही पड़ेगा। टुक 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 हियर, नाउ आई टुक, मारा मारा के टू। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मैं नाइट से मारूं कि बिशप से मारूं, फिर मैंने बाद में देखा कि यार नाइट से, अगर मैं नाइट से मारूंगा, टेक विद द नाइट, नाइट से मारूंगा तो वो पोटेंशियली इसको इससे मार सकते हैं, फिर मैं बिशप से मारूंगा तो मेरा बिशप इतना एक्टिव नहीं रहेगा।
तो मैंने सोचा बिशप से मारूंगा, बिशप से मारूंगा। अब अगर उन्होंने मारा मारा, अब मेरा क्वीन एच फोर, क्वीन एच फोर थ्रेट है, और अगर ऐसा कुछ खेलेंगे देन क्वीन जी फाइव, फिर सिंपल मूव्स खेलूंगा मैं, रुक एच सेवन क्वीन एच फाइव, फिर एच सेवन पे, एच वन पे उनकी मेट हो सकती है। सो उन्होंने मारा नहीं, रुके टू खेला, रुके टू क्वीन एच फोर, वेरी लॉजिकल मूव, बिशप पी वन जीते। बस ये यहाँ पे मेरा ये था कि मैं इसको मारूं, वो रुकी से मारेंगे, एंड आई कैन प्ले नाइट जी फोर फॉर एग्जाम्पल, वॉट कैन यू डू फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक हियर देन आई कैन टेक इट, ओके इफ ही कॉन्ट टेक, ओके मे बी एफ टू, नो नाइट, नाइट जी फोर इज विनिंग, सो नाइट जी फोर आ रहा है, सो एंड इफ यू टेक हियर देन नाइट जी फोर, जी थ्री रुक एच सेवन, एच सेवन क्वीन जी टू, क्वीन जी टू, बट स्टिल लग नहीं रहा वाइट बचेगा, बिशप एच सिक्स, बिशप एच सिक्स रुक जी एट, बिशप एच सिक्स रुक जी एट, फिर वाइट का यहाँ काउंटर प्ले नहीं है। सो जी थ्री, जी थ्री का आइडिया ये है कि अब वो, अब ये रुक है, वो सेकेंड रैंक से किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। बिशप पी सेवन खेला, आइडिया सिंपल है, मैं रुक को यहाँ लाना चाहता हूँ, फिर बिशप एफ थ्री, रुक एच टू उनका थ्रेट है, सो मैंने मारा, अब ऑब्वियसली वो मार नहीं सकते, मारेंगे तो ओके आई कैन जस्ट टेक इट, ये भी बढ़िया है, मे बी बिशप एच फोर इज इवन स्ट्रॉन्गर, सो मान नहीं सकते। उन्होंने नाइट ई थ्री खेला, नाइट ई थ्री, बिशप पे अटैक करते हुए, यहाँ पे मैं सोच रहा था क्या, चलो यहाँ पे मैंने जी टू कैलकुलेट किया, बट जी टू वर्क नहीं कर रहा था, सिंपली रुक से मार सकते हैं, और बाकी अदर मूव्स भी ट्राई की थी जैसे बिशप एफ थ्री वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे मैं जल्दी चेकमेट करने के लिए देख रहा था, बट यहाँ पे कोई मूव काम नहीं कर रही थी। तो फिर आखिरी में यहाँ पे मेरे पास 4 मिनट बचे थे, 4 मिनट बचे थे, उनके पास भी करीब 2 मिनट बचे थे, फिर मैंने अपना रुक प्ले में लाया, रुके जी एट, रुके जी एट, बिशप से मारा, नाइट से मारा, रुक एफ फाइव, रुक एफ फाइव क्वीन एच थ्री, नाइट जी फोर, रुक जी फोर, क्वीन एफ थ्री, रुक एच फोर। अब मेरा थ्रेट सिंपल है, मैं क्वीन एच टू खेलना चाहता हूँ, और ये थ्रेट थ्रेट को रोकना मुश्किल है, उन्होंने ओवरलुक कर दिया यहाँ पे, बट ऑलरेडी यहाँ पे मुझे नहीं लगता वाइट बच पाएगा, उसकी किंग की पोजीशन बहुत वीक है, किंग कहीं एक स्क्वायर भी नहीं चल सकता, यहाँ कहीं नहीं चल सकता उनका किंग, किंग बहुत वीक है। उन्होंने रुक डी टू खेला, फिर मैंने क्वीन एच टू, अब मेरा आइडिया क्या, अगर उन्होंने मारा तो मानूंगा ये मेट है, अगर ये विनिंग है, सो उन्होंने किंग एफ वन खेला, फिर जी टू आया, रुक जी टू करना पड़ेगा, क्वीन एच वन, यहां पर वो ये कर सकते थे, बट ये विनिंग है, सो उन्होंने किंग यहाँ खेला, फिर मैंने क्वीन टेक जी टू मार दिया, मे बी रुक जी टू वॉज इवन बेटर, बट क्वीन जी टू विन के लिए इनफ है, और यहाँ पे उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो आई होप आपको मेरा गेम अच्छा लगा होगा,
अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे बताइएगा, और थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।